बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। दोस्तों आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का सीन ये है जी दोस्तों, बारिश का मौसम बना हुआ है, फुल मज़े वाला मौसम बना हुआ है। तो फिलहाल हम बैठे हैं शॉप पे और हमारे फाद भाई भी आने वाले हैं, छोटे कज़न है वो भी आएंगे, तो हम बैठ के चल रहे चाय पियेंगे, ऑर्डर करना है, नजर भी आने वाले हैं, तो बैठ के गपशप करेंगे और अलहमदिल्ला गपशप करेंगे। दोस्तों दोपहर का टाइम है और मैं लेके आ रहा हूँ इधर शॉप से आटा और मौसम चेक करें, माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत बन गया है। ये चेक करें दोस्तों, फुल टाइम आंधी है या माशाल्लाह मौसम जो है बहुत ही ज़बरदस्त बन चुका है और मट्टी उड़ रही है, तो दुआ करें कि बारिश हो जाए, ये मट्टी जो है ना नीचे दब जाएगी, फिर ठंडी ठंडी हवा आएगी, मज़ा आ जाएगा। दोस्तों मैं बैठा हूँ शॉप पे, तो बारिश का मौसम बन गया और बारिश आई है, थोड़ी 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 आई भी है, पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों बारिश हुई है, थोड़ी थोड़ी अभी भी हो रही है बारिश, लगेगा बाद भी क्या लगता है बारिश होगी। हाँ लग रहा है यार कि बारिश होगी लेकिन पता नहीं है। चलें जी, बात भाई कह रहे हैं कि बारिश होगी, अल्लाह करे बारिश ना हो, मैं तो यही कहूँगा कि बारिश ना हो। और ये ज़ुल्करनैन भाई आ रहे हैं अपना क्या बोलते हैं फैक्ट्री का निशान देते हुए। सलाम, क्या हाल है, ठीक हो, क्या हाल चल रहा है आजकल, व्लॉग श्लॉग बना रहे हो? चार्ज लगाते रहो, वीडियो शीडियो ना बनाना। सुबह की लाइट है नहीं यार, मोबाइल लो था, मैंने कहा यूपीएस चल रहा है, खत्म हो गया तो फिर लाइट होगी नहीं, किस चीज़ पे चार्ज लगाएंगे, तो फिर चार्ज लगा दी। चलो ठीक है अच्छी बात है, आप वीडियो शीडियो बनाओ तो अल्लाह आपको कामयाब करे। बारिश के लिए दुआ करो कि यार बारिश ना हो, ना हो, मौसम ऐसे रहे, हाँ ये चेक करो ना आप, इधर बादल बने हुए हैं इस साइड पे ऐसे आ रहे हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं ब्रिज वाली साइड पे। पानी की मैन पानी की बात कर रहा हूँ, ब्रिज जब बना था ना इधर बारिश का पानी कितना जमा हो गया। दोस्तों हम इस साइड पे आ गए हैं, ब्रिज पहले उस साइड पे ठहर रहे थे, अब इस साइड पे आ चुकी हैं, तो ये व्यू चेक करें कितना ही खूबसूरत है। यहाँ पर वहाँ पे सामने गोदाम है, वो मेरी जरी फिंगर के साथ ही निशान आ रहा ना, वहाँ पे सारा वो गोदाम है, फिर पीछे सारे देहात हो गए, चक हो गए, यहाँ पर सब सब ज़मीन है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और इस वाली साइड पर शहर है और फाज भी हमारे साथ आए हुए हैं और बहुत ही हम मज़ा कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। आज दोस्तों तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आ चुके हैं अगेन अपने घर,
चाय साथ है तो फार्म पे जा रही हैं। जानवर जानवर जो हैं, जो जानवर सब बांध दी हैं, बकरियाँ भी हैं इधर सारी बांधी हुई हैं। और चेक करें माहौल, पहले जो है सूरज नहीं निकला हुआ था, अभी माशाल्लाह सूरज जो है फुल तेज निकला हुआ है। और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 6 हो रहे हैं तकरीबन। तो मैं शॉप से आया था और जानवरों को जो है मैंने चारा वो थोड़ी में भूसे में मिक्स कर दिया था। और ये रहा अपना जुलझना जो काफ़ी मैला हो चुका है। और इसने ना ये रात को ना ये पीछे वाला रस्सा है जो ना ये खुल गया था इसका ना पाँव से ना, तो इसने ना अपने आप को चोट दे दी है। ये देखो ये रेड रेड सी नज़र आ रही है, ये चेक करो ये वाली। अब ये मुझे काटने की फुल कोशिश कर रहा है तो इसलिए मैं इसके ज़्यादा क्लोज नहीं जा रहा। खजूरों के जो दरख्त के जो हिस्से पड़े थे ना वो हमने उठा लिया है ना, तो माशाल्लाह जगह जो है ना काफ़ी खुली खुली सी लग रही है, ओपन ओपन सा माहौल लग रहा है। जानवर भी वैसे कम है, शेरों को भी मैंने इधर ट्रांसफार कर दिया है, ट्रांसफार्मर नहीं ट्रांसफार कर दिया है। और जो इसकी खुरली भी एक्सचेंज कर दी है, साइज स्टाइल जो है इसका मैंने एक्सचेंज कर दिया है। अभी चाय को फिनिश करती हैं जल्दी जल्दी से, फिर मुझे जाना है वसूली पर, कुछ बंदों से पैसे लेने हैं, पैसे लेके फिर हम आएंगे वापस अपने घास में। जुलझना के लिए जो है हमने वो घास काटना है चारा, तो इसको डालना भी है शाम को, शाम का इसका खाना भी तैयार करना है। फिलहाल ये चाय फिनिश करते हैं, फटाफट से वसूली करके आती हैं, मिलते हैं आपको अपने खेतों में। हाँ जी दोस्तों, तो मैं लेने गया था वसूली, कुछ बकाया जात थे दुकान से सामान ले गए थे, सीमट बजरी वगैरह, तो उनका कुछ बकाया बचता था तो वो मैं लेने गया था। और घास में इधर अपने खेतों में आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने जंतर वगैरह काश किया था, वो तकरीबन चेक करें आप कितना ही खूबसूरत लग रहा है। क्लोज होके दिखाता हूँ थोड़ा, ये चाहते जंतर, ये बकरियों का चारा है, ये देखें ये भी है। और ये ओवर वेस्ट जो मटेरियल घास है ये अगली पहले आगे चल के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से सब वो काटने वाले यहाँ से सारा काट गया, देखिए आपका पास जो है ना कितनी क्लीन नज़र आ रही है, सफा शफा सफा नज़र आ रही है। ये कुछ कुछ है अभी, ये भी सारा काट लेंगे। और कपास नज़र नहीं आ रही, जब यहाँ पर घास था ना इनकी इनको छुपाया हुआ था कपास को ना। अब देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत कपास लग रही है। ये मैं आ गया हूँ इधर घास में, ये अपने जुलझना के लिए जो है ये घास स्पेशल हमने काश किया था। बाकी सब घास जो ख़त्म हो गए हैं, बाकी हम जो अपने जानवरों के लिए, मेरी तो दो भैंसें बची हैं, बाकी मैंने सब सेल कर दी थी, तो ये दो बची हैं। दो के लिए मैं जानवरों के लिए घास मूल ख़रीद ले आता हूँ। तो ये घास है, सांस फूल रही है मेरी। आज दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम आ चुके हैं वापस अपने इधर फार्म पे, क्योंकि बारिश हो ही नहीं है। मौसम देखें बिल्कुल क्लियर हो चुका है, बिल्कुल साफ सुथरा मौसम है, कोई बादल बूदल नहीं है, कोई बारिश का इम्कान नहीं है। लेकिन पहले बारिश ही मौसम ज़बरदस्त था, जब हम उधर गए थे ना घूमने तो मौसम ज़बरदस्त था। तो आज का जो दिन था हमारा वो सारा बाइक पे गुजर है, मेरा और फात का बाइक पे ही गुज़रता रहा है। और आपका भाभी लोग को इधर ही कर रहे हैं एंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ। और दुआ मुझे याद रखें, ओके अल्लाह हाफिज़।